हेलो एंड वेलकम टू योर गाइस, नाम है विक्रम और मैं सॉल्व करता हूं आपका एसएससी नीट। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, मैं डेली क्या करता हूं कि जो हमारे पर्टिकुलरली नेशनल इंटरनेशनल और जो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको कंपाइल करता हूँ। तो ये जो आज का हमारा सेशन होने वाला है ये बेसिकली हिंदी में होगा, जिसमें हम लोगों ने जो बेसिक फैक्ट्स हैं, एक तो हेडलाइन होती है और जो फैक्ट्स आते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट एग्जाम्स हो, वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन उन्हीं से बनेंगे जो उस टाइम सुर्खियों में चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिकली हेडलाइन देखनी है और उसके नीचे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है उनको जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए करंट अफेयर का आज हमारा थॉट वीक के मैंने यहाँ पे करंट अफेयर लिए हैं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। तो इन्होंने इसराइल की यात्रा करी है, 5 दिवसीय यात्रा, इसमें उन्होंने बहुत चीजें करी है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किए हैं। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि भारतीय सैनिकों की वहां पे कब्र है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या करा है, इसराइल में भारतीय जो सैनिक थे उनकी कब्र है, तो उस कब्र में उन्होंने क्या करा है, एक तरीके से पुष्प चक्र को अर्पित किया है। तो ये क्या हुआ था कि जो ये प्रथम विश्व युद्ध है इस दौरान जो भारतीय सैनिक ने अपने शहीद हुए थे, प्राण निछावर करे थे, उनको क्या करा गया था, उनको वहां पे दबा दिया गया था। जैसे कि आपका यहाँ पे रामले हाइफा में कम से कम आप यहाँ पे ये मान सकते हो कि 900 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को दफनाया गया था। यरूशलम भी आपका यहाँ पे तीन आपके आएंगे कि इन तीन में से अलावा कहाँ पे नहीं किया गया है। तो ये आपने याद रखना है, रामले, यरूशलम और हाइफा, ये आपने तीन हमेशा याद रखना है कि इन तीन जगहों पर ही भारतीय सैनिकों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसराइल में दफनाया गया था। तो 900 से ज्यादा भारतीय सैनिक है वहां पर, ठीक है। तो अब क्या करा था इन्होंने, 17 अक्टूबर 2021 में यरूशलम के ताल पियोत स्थित एक कब्रगाह में पुष्प चक्र अर्पित किए भारतीय सैनिकों को, दर्शाया कि हम भारतीय सैनिक जो भी वहां पे शहीद हुए थे उनके प्रति स्नेह का भाव रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इन्होंने अपनी जो विजिटर डायरी है इसमें भी अपने नोट्स लिखे थे। चलिए, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर डाटा के लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है। पिछले साल कितनी भुखमरी थी, कितनी एजुकेशन थी, किस प्रकार से एजुकेशन हमारी ज्यादा हुई कम हुई, किस पार्ट पर हमें ज्यादा फोकस किया, ये सब क्या होता है, एक तरीके से स्टैटिस्टिक्स डाटा होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल डे मनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि ये 5 साल में एक बार मनाया जाता है। यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है कि हर 5 साल में इसे एक बार मनाया जाता है। तो ये 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे मनाया जाता है, हर 5 साल में एक बार। ये 20 अक्टूबर आपने याद रखना है। तो इस साल 2021 की थीम क्या थी, तो ये था एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये इसकी एक पर्टिकुलर थीम है। अब विश्व सांख्यिकी दिवस आपको पता है हर 5 साल में यूएन इसको मनाता है, ठीक है। तो यूएन के देखरेख में हम इसका आयोजन करते हैं और संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, जनरल असेंबली है, इसने 2010 में, ठीक है, इस चीज को स्टार्ट करा था आपका, किसको, समाज में सांख्यिकी के महत्व, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें स्टैटिस्टिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज को बढ़ावा देने के लिए 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने के रूप में घोषणा की थी। अब ये भारत की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 5 साल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि 5 साल में क्या होता है, एक तरीके से ये मनाया जाता है हर 5 साल में यूएन की देखरेख में। तो प्रत्येक वर्ष 29 जून को, ये भारत की बात कर रहा हूं मैं, वो वर्ल्ड की बात थी, तो भारत में 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, ये प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक महालनोबिस, पीसी महालनोबिस था उनका पूरा नाम। इन्होंने जो हमारे योजना आयोग थे, हमारे योजना आयोग की तरफ से जो हमारे 5 ईयर प्लान होते थे, पंचवर्षीय योजना, उनका मॉडल कई बार तैयार किया, स्टैटिस्टिक्स दिए लोगों को, डाटा दिए कि आपको किस चीज में वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखना है स्टैटिस्टिकल और साइंटिस्टिक्स थे, ये थे पीसी महालनोबिस, इनके द्वारा किए गए स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में योगदान के सम्मान में इसे मनाते हैं हम कब, 29 जून को। यहाँ पे आपने चीज को ध्यान देना है कि किस की मेमोरी में मनाते हैं, तो पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस इनका पूरा नाम था, तो ये पीसी महालनोबिस की मेमोरी में हम इसे मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है,
कुशीनगर, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे, जिसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण। अब आपको यहाँ पे दो चीजें देखनी बहुत जरूरी है, जो कुशीनगर है ये यूपी में, अब इसको कुशीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है मोदी जी ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है, जो बुद्ध है इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है, इनकी जो एक तरीके से यहाँ पे आप समझ सकते हो कि इनकी जन्म कब हुआ था, तो ये हो गया 563 और मृत्यु कब हुई थी 483 में, ये हुई थी कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पर है, मल्ला डिस्ट्रिक्ट में, उस समय जनपद महाजनपद हुआ करते थे, तो वो मल्ला महाजनपद में आता है। ये बहुत बार एसएससी ने पूछा, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि जो कुशीनगर है वो एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। ये कुशीनगर से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आएगा इस बार कि वहां पे क्या हुआ था, तो महापरिनिर्वाण, ये महापरिनिर्वाण एक तरीके से मृत्यु, किसकी मृत्यु, भगवान बुद्ध की, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुशीनगर बहुत तीर्थ स्थल है, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण एक तरीके से इनके जीवन की यहाँ पे लीला समाप्त हो गई थी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर 2021 को क्या करा, ये जो तीर्थ स्थल है हमारे भारत के बहुत सारे मुख्य तीर्थ स्थल है, इन सभी को दुनिया भर से जोड़ने के लिए क्या करा है, इन्होंने एक तरीके से कुशीनगर को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर उद्घाटित किया, यानी कि उद्घाटन उसका किया है। अब ये उत्तर प्रदेश का तीसरा है, तो पहला कौन सा है, पहला हो गया आपके यहाँ पे वाराणसी और लखनऊ, ये जो दो यहाँ पे पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या होता है कि वहाँ की सुविधाएं अलग होती है, अब होता है डोमेस्टिक होता है इंटरनेशनल, यानी कि एक घरेलू उड़ान भरता है और एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरता है। तो यहाँ पे जो ये कुशीनगर रेलवे स्टेशन, कुशीनगर एयरपोर्ट है, ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे पहले जो फ्लाइट आई वो कोलंबो से आई, क्योंकि आपको पता है जो श्रीलंका है वहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं, तो श्रीलंका से भारत में आई है पहली एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आई है, इंटरनेशनल फ्लाइट आई है, वो आई है कुशीनगर में, ठीक है। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका श्रीलंका से कोलंबो, श्रीलंका के कोलंबो से यहाँ पे एक फ्लाइट पहुंची है कुशीनगर में। अब ये जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका जो रनवे है ये 3.2 किलोमीटर लंबा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट बन चुका है अभी तक, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी आपके लिए एक फैक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, और यहाँ पे 483 में बुद्ध भगवान ने अपना शरीर त्यागा था, जिसे हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। चलिए अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने सुना होगा अभी की बात है, ये क्वाड, क्वाड लागू हो चुका है, क्वाड एक तरीके से भारत हो गया इसमें, यूएई हो गया इसमें, इसराइल हो गया इसमें, यूएसए हो गया, इन सबने मिलकर एक क्वाड, क्वाड का मतलब ही चार होता है, ठीक है। क्वाड कोर सुना होगा आपने, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर, ये सब क्या होते हैं, एक तरीके से नंबर होते हैं। तो यहाँ पे जो भारत है, इसराइल है, अमेरिका और यूएई, इन सब ने मिलकर एक आर्थिक मंच बनाया, जिसे हम बोलते हैं क्वाड देश। तो ये अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी 5 दिवसीय यात्रा में, आपको पता है, तो तभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। ये हमारे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, और ये हो गए इसराइल के, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूएई के हो गए और ये एक तरीके से यूएस के हो गए। तो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है कि ये चार देश जो है अभी क्या बन गए, क्वाड में आ गए, ताकि वो आर्थिक सहयोग कर पाए, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मंच पर। अब ये जो क्वाड बना है, ये बेसिकली किस पे फोकस करेगा, तो ये आपका परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, समुद्री सुरक्षा यानी कि मरीन सिक्योरिटी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक, और ये व्यापार यानी कि ट्रेड, इन सबके क्षेत्र में संयुक्त बुनियादी ढांचा परियोजना, यानी कि पर्टिकुलरली ये प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिसके तहत इन सभी चीजों पे वर्क किया जाएगा। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि हम ऐसी परियोजना बनाएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हम चारों देशों का क्या हो सके, आर्थिक विकास हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब ये जो बैठक थी, ये पर्टिकुलरली किसी देश में जाकर नहीं हुई, ये जो बैठक थी वर्चुअल बैठक थी, तो यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग की गई, जिसमें एक ही समय में विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर और इसराइल के विदेश मंत्री साथ बैठे थे, और अलग से दो मीटिंग में जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी, ठीक है। क्योंकि इस समय जो हमारे विदेश मंत्री है वो पर्टिकुलरली इसराइल में ही है, तो इसीलिए वो दोनों साथ में बैठे थे, ठीक है। लास्ट की खबर देख लीजिए आज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी मुख्य अर्थशास्त्र यानी चीफ इकोनॉमिस्ट, भारत के लिए गर्व की बात थी उस समय और अभी भी है, गीता गोपीनाथ,
ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लौटेगी, प्रोफेसर है वहां पे इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान देना है कि इनको 2019 में IMF में बतौर मुख्य 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 अर्थशास्त्री शामिल किया गया था, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर ये IMF में। अब IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट का एक बहुत बड़ा पद होता है, तो यहाँ पे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, वॉशिंगटन इसका हेडक्वार्टर आपको पता है। तो यहाँ पर इनका जन्म मैसूर में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री रही, IMF की फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अब जो ये IMF है इसकी चीफ कौन है, ये तो एक क्रिस्टलिना गॉर्जिबा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये अगले साल जनवरी में ही अपना पद छोड़ देंगी और अपने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वापस लौट जाएंगी, वहां पर ये इकोनॉमी की क्या है, प्रोफेसर है। अब IMF की जो प्रबंध निदेशक है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, वो ही क्रिस्टलिना गॉर्जिबा, इन्होंने बोला है 19 अक्टूबर 2021 को कि ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि अभी अपना पद छोड़ देंगी और हम इनके सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी की तलाश शीघ्र ही शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गीता गोपीनाथ, 2019 में ये IMF में अपॉइंट हुई थी। तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हो, ये थे हमारे पर्टिकुलरली इस वीक के कुछ बड़ी बड़ी हेडलाइंस जैसे हम बोलते हैं, तो ये थी मुख्य हेडलाइंस, ठीक है। ये एक तरीके से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो मैंने कोशिश करी यहाँ पर कि मैं उस आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दे पाऊँ, आपने इसमें वे करना है SSC चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो दैट मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।